नोटबंदी को 47 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की बैंक में लगी लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों को सारा दिन लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। लोगों की समस्या जानने के लिए हमारी टीम ने नरवाना के कई बैंक एवं एटीएम का दौरा कर लोगों व दुकानदारों की समस्या जानी। सरकार के एटीएम खोलने के आदेशों के बावजूद भी बैंक अधिकारियों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ बैंक के एटीएम के शटर भी बंद मिले। लोगों ने कहा कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को देत। लोगों व दुकानदारों ने बताया कि नरवाना ग्रामीण अंचल होने के कारण एंड्रॉइड फोन में इंटरनेट की सुविधा सभी के पास नहीं है, जिस कारण मोबाइल से पेमेंट नरवाना में सफल नहीं हो सकती। बैंक द्वारा लोगों को अभी तक भी स्वाइप मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिस कारण काम धंधे ठप पड़े हैं। एंड्रॉइड फोन चाहिए जी, जिसके पास फोन नहीं है वो कैसे पेटीएम करेगा, और जो करेगा इतना साक्षर नहीं है। इतना हमारा देश में हर बंदे को इसकी नॉलेज है, ये काम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके लिए सरकार की हमसे कोई प्लानिंग कोई भी प्लानिंग नहीं देखी जा रही है। और इस चीज़ को देखते हुए हर इंसान को आमतौर पर जैसे मजदूर तबका है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस चीज़ की को देखते हुए सरकार को बहुत गौर करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के लिए हमने भी डिमांड करी हुई है, कोई है नहीं, इसमें बैंक वाले को खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इसके बारे में। जब मशीनें आएंगी तब ये भी संभव हो पाएगा, वैसे अभी तक कोई है नहीं इसका। वजह से और 2-3 घंटे में बंद हो जाते हैं जी, और बाकी ऐसा जी काम काज का जमा पट्टा बैठ रहे जुड़े जमा मारी साहब 10-12 हज़ार रुपये थी, 2-2.5 हज़ार बांट के जावा जी। कारीगर की तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है जी, मशीन का कोई प्रावधान नहीं है जी, छोटा शहर है, कार्ड गुड़ी कोई व्यवस्था है नहीं। कैशलेस तो बना दिया लेकिन अभी कार्ड या कोई व्यवस्था नहीं है जी, यहाँ लोगों के पास कार्ड ही नहीं है जी। मैं मशीन ले आऊँ जी, कार्ड ही ले रहे लोग उधार, छोटा शहर उधार कर देते हैं जी, उधार हमारे को मिल जाता आगे हम उधार देते हैं, इस करके काम चल रहा है जी। बाकी शहर के अंदर कोई कैशलेस वाले ऐसी कोई बात नहीं है जी। ना उसमें देखो सारे ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसमें क्या पड़ता है उसको लेके सर, क्या किस तरह की बात है सर? एटीएम में भी थोड़ा सा कैश का है ना, तो अभी हमारे पास कैश अभी कुछ दिनों से पहले ऐसे आया था, अभी हम लोग कैश दे रहे हैं, अब एटीएम का हमने मेल किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हल्का थोड़ा सा है, बस सब ठीक है। आज आरटीवी न्यूज के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट।